ए बिरजू, मैं भाजी खरीदने जा रही हूँ, मुझे जरा मार्केट छोड़ दे। मार्केट? हाँ मार्केट। यहाँ क्या आवाज कहाँ से आ रही है? तेरा टायर गया होगा रे। मेरा टायर? तेरा सत्यानाश हो। अरे पैदो माँ, ये तूने क्या किया? टायर गया। अरे टायर की बच्ची जानती है आजकल सेकंड हैंड टायर का क्या भाव चल रहा? अरे बंदे बच्ची सी, सुबह सुबह न जाने ये कोई ना कोई होटल कहाँ से आकर मेरी गाड़ी में बैठ गया। ए बिरजू, आजकल तू मुझसे नाराज क्यों रहता है? न प्यार की बातें करता है, न प्यार से एक बार मेरी तरफ देखता है। अरे भाड़ में गया तेरा प्यार, जब मिलती तब भी तोता मैंने कैसा शुरू कर देती है। न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में तेरे बाप से 1000 रुपए उधार लिया था, जो सूद दर सूद ये मुसीबत मेरे गले में। भाइयों को सस्त्रीकार, जिसकी वजह से मेरा हुआ है यह हाल। तुम आगे बंद करके टैक्सी चलाते हो? ये टैक्सी वाले राह चलतों को चूतिया समझते हैं। क्यों बे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बे। तुम्हारा कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है बे? मेरी टैक्सी का कसूर है बे। मैं उसको फ्रंट गियर में डालता हूँ तो रिवर्स गियर में जाती है, रिवर्स गियर में डालता हूँ तो फ्रंट गियर में जाती है, आगे जाना चाहता हूँ तो पीछे जाती, पीछे जाना चाहता हूँ तो आगे जाती है। मैंने ब्रेक बंद किया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक भी नहीं लगता, इंजन बंद किया तो इंजन भी नहीं बंद होता। ये बात है तो फिर इंजन क्यों नहीं बदली करता बे? सत्य वचन है बे। मैं पहले घर जाके अपने कपड़े बदली कर लूं, उसके बाद मैं सब कुछ बदली कर लूंगा। चलो 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 चलो। पीछे कैसा है? नहीं दिखता। वाह 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 वाह, क्या डिजाइन बनाया, लेटेस्ट मिनी स्टाइल पतलून। अगर कोई फैशन की दुकान वाला देख ले तो फौरन डिजाइन मार दे। नमस्ते बजरंग भैया। नमस्ते नमस्ते। बजरंग भैया अंदर क्यों बैठे हो, नीचे उतरो ना। बेटा बेटा नीचे उतरने वाली हालत आज मेरी नहीं है। बजरंग। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। ये ले तेरी मौसी ने 10 रुपए भेजे हैं। बाबूजी रुपए तो आपके हैं, मौसी ने तो सिर्फ देने के लिए कहा होगा। अरे एक ही बात है बाबूजी, मैं भी कैसा निकट्टू आदमी हूँ, बजाय मौसी की मदद करने के उल्टा उस पर बोझ बनकर बैठा हूँ। अरे बोझ किस बात का, वो तो तेरी माँ की तरह है। वो तो है बाबूजी। चलो आ बेटा, चलो स्कूल चलो। बाबूजी आप बैंक जाइए ना, मैं गणेश मुन्नी दोनों को स्कूल में छोड़ दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन बाबूजी ठीक 5 बजे हमें स्कूल लेने आ जाइएगा। हाँ बेटा ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। गणेश पीछे का दरवाजा टूटा हुआ, उधर से आ। ओ मैम साहब, ये कुमारी नंदा रोड है, कोई स्टेज नहीं जो आप सड़क पर भरतनाट्यम कर रही हैं। क्या बकते हो, मैं तो अपनी राह चल रही थी। अगर तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है तो डॉक्टर को दिखा के चश्मा लो। मैम साहब अगर मेरी आंखें कमजोर होती तो ये टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस मुझे नहीं मिलता। टैक्सी ड्राइवर? जरा वर्दी देखो अपनी, जरूर किसी की टैक्सी चोरी करके भाग रही हो। क्या कहा, चोर? मैं चोर? गुड मॉर्निंग टीचर दीदी। अरे गणेश मुन्नी तुम? अरे बजरंग भैया इनसे क्यों झगड़ा करते हो, ये तो हमारी टीचर दीदी है। ओ, आप टीचर हैं? मुझे क्या मालूम था कि आप टीचर हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैंने आपको सड़क पर कई बार आते जाते देखा है, लेकिन मैं समझता था कि आप स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मुझे क्या मालूम था कि आप पढ़ाने जाती हैं। चुप रहो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। कितना किराया हो तुम्हारा? अरे टीचर दीदी ये हमारे बजरंग भैया हैं, हमारे घर में जो मौसी है ना उनके भांजे, ये हमसे कभी किराया नहीं लेते, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं सुनिए, उगालदान लाऊं? क्या गुस्से को थूक दीजिए, मेरी गलती होगी जो मैंने आपसे तू तड़ांग की, मेरी माँ तो है नहीं, आपको मेरी मौसी की कसम, मेरे डब्बे में चलिए प्लीज प्लीज। चलिए ना टीचर जी, बोल ना। चलिए ना। हाँ टीचर दीदी चलिए ना। बता चलिए आओ, बता रहे दोनों को। तू गाड़ी में बैठ, तू गाड़ी में बैठ। ए बिल्कुल ठहर जाना, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ।
पेटर साहब। मगर क्या है? बात यह है कि आप मेरे बीजू को कुछ मत कहिएगा, ये मेरा होने वाला पति है। इसको बाहर ले जाओ। चलो बाहर। तुम नहीं मैन, तुम इधर आओ। इसको तुम जाओ, तुम जाना। भर साहब बहुत गर्म है, बोला बीजू इधर आओ। तो तुम टैक्सी चला जाओ। नहीं सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम शक्ल क्या बना रहे हो? मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। बजरंग बली। व्हाट साहब? साहब मेरा नाम बजरंग बली है। मेरा नाम बजरंग है और मेरा नंबर है 786। वैसे मैं सूरत से जरा गलत आदमी लगता हूँ, लेकिन आदमी बहुत गुड हूँ, बहुत नेक और बहुत शरीफ साहब। ये मेरी आंख लाल होने की वजह से पब्लिक समझती कि मैं गांजा पीता हूँ, लेकिन साहब आपकी माँ की कसम मैं कोई भी नशा नहीं करता और मैं टैक्सी बराबर कायदे कानून के साथ में चलाता हूँ। जब भी पैसेंजर अंदर आके बैठता है तो मैं मीटर डाउन कर देता हूँ, और जैसे पैसेंजर बाहर जाता है तो मैं मीटर को वापस खड़ा कर देता हूँ। चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिले या पुलिस मिले या कांस्टेबल मिले, अपने लिए सब एक बराबर। आप उन सबको सलाम आता सलाम साहब। सुबह 5 बजे मैं टैक्सी पर चढ़ता हूँ और रात को 10 बजे टैक्सी को छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं टैक्सी अपने लिए माँ बहन जू पीला हो पारस रोड और पाली या कि सवारी नहीं लेता। आंख कान मुंह सब कुछ खो के गाड़ी चलाता हूँ साहब। आज तक मेरी गाड़ी के नीचे सिर्फ एक मुर्गी आई थी, वो भी साली पहले से मरी हुई थी साहब। साहब अपना रिकॉर्ड एकदम क्लियर है साहब, एकदम क्लियर रिकॉर्ड है साहब। सिर्फ एक दिन सामने से एक बच्चा जा रहा था, उसको बचाने के लिए जो जोर से मैंने ब्रेक मारा तो पीछे से एक टैक्सी वाले ने आकर ठोक दिया। साहब मैं तो सामने की चीज देख सकता हूँ, पीछे की चीज तो आप भी नहीं देख सकते। ब्रेक ब्रेक व्हाट नॉनसेंस आपने बोला साहब, ब्रेक मारने को। मगर ये सब सवाल तुमसे पूछा किसने? साहब इंश्योरेंस कंपनी वाले तो इससे भी ज्यादा सवाल पूछते हैं। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, पुलिस स्टेशन है, समझे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन से मुसाफिर चढ़े? पिछले हफ्ते साहब? पिछले हफ्ते तो बहुत सारे लोग चढ़े थे और बहुत सारे लोग उतरे थे। टैक्सी में आदमी चढ़ेगा उतरेगा नहीं तो कहाँ चढ़ेगा उतरेगा साहब। हाँ, एक फॉरेनर मेम साहब चढ़ी थी। आजकल अपनी 100 की नोट छोटी हो गई ना, तो बजाय 10 का पत्ता देने के मेरे को 100 का पत्ता देगी, लेकिन वो 100 का पत्ता भी मैं कालवा देवी पुलिस स्टेशन पर देकर आ गया। अपने को तो 10 का वहां पर भी घाटा हुआ था। मैं कहता हूँ सब फजूल की बकवास बंद करो साहब, और अच्छी तरह से याद करके बताओ, पिछले हफ्ते गेटवे ऑफ इंडिया के पास तुम्हारी गाड़ी में कोई दाढ़ी वाला बैठा था? दाढ़ी वाला? पिछले साहब पिछले हफ्ते तो गुरु नानक जी का जन्मदिन था, बहुत सारे अपने सरदार जी भाई लोग मेरी टैक्सी में आके बैठे थे। आप कौन से दाढ़ी वाले की बात कर रहे थे? मैं उस दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूँ जिसके एक हाथ में सफेद सूटकेस था और दूसरे हाथ में छड़ी। छड़ी? लाल छड़ी, मैदान छड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। मैं नहीं बताऊंगा साहब, नहीं बताऊंगा। तुम अगर नहीं बताओगे तो मैं इस लकड़ी से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। बिजू बता, जल्दी से बना तेरी खाल खींच लेंगे। अरे तू चुप मरने के लिए, तुम जल्दी बोलो नहीं तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी, कहता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात हुई साहब, बोलूंगा तो माँ मरेगी, नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा। किसका बाप कुत्ता खाएगा? साहब ये सर आपको नहीं बोला था, ये तो एक कहावत है। एक बाप को गोश्त खाने की आदत थी, एक दिन गोश्त नहीं मिला तो माँ ने कह के कुत्ता काट डाला। वो बेटे ने देख लिया, जब खाने का टाइम हुआ था तो बेटा सोचने लगा अगर मैं बाप को बोलूंगा तो बाप माँ को मार देगा, अगर मैं बाप को नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा तो वो मेरे को मार देगा, अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप मेरे को मार देंगे। बजरंग बजरंग रो मत, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस तुम्हारी हिफाजत करेगी। पुलिस हिफाजत करेगी साहब हमारी? पुलिस तो आप पुलिस हमारी हिफाजत करेंगे? जरूर करेंगे। आप मेरी हिफाजत करेंगे? जरूर करेंगे। करेंगे तो फिर नहीं। अरे तुम साहब ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेरे को कोई भी खतरा नहीं। अब मेरे को आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है। मैं आपको दाढ़ी वाले का सब पोल खोल के रख देता हूँ। साहब एक लंबा आदमी था, 6 फुटा लंबा आदमी, उसकी ये लंबी दाढ़ी थी साहब, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में सफेद सूट के। साहब ये खाने का डब्बा किसका है? मेरे को बहुत भूख लगी साहब, मेरा दिल बढ़ा जा रहा, मैं खा लूं। तुम खा लो, खा लो। और साथ साथ दूसरा भी जाना पड़ता। आगे बोलो क्या हुआ? पानी, आगे पानी, पानी हवादार, पानी प्लीज, पानी संभालो, पानी आराम से, पानी क्यों आराम से, पानी क्यों? बहुत अच्छा खाना है साहब, आप खाएंगे? मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। मगर बताओ आगे क्या हुआ? साहब आगे ये हुआ, वो जो लंबा आदमी था ना साहब, उस लंबे आदमी ने क्या, वो बहुत डरा हुआ था साहब, शायद उसके पीछे पुलिस की जीप लगी हुई थी। कभी वो मेरे को राइट में लेके जा रहे, कभी लेफ्ट में लेके जा रहे, कभी दाएं में लेके जा रहे, कभी बाएं में लेके जा रहे। ऐसा करते करते वो मेरे को समंदर के किनारे लेके गया। वहां पे मैंने उसको अपना किराया मांगा, तो किराया जैसे मांगा तो उसने क्या किया, अपनी छड़ी में से चाकू निकाला, चाकू निकाल के मेरे को बोलता खबरदार मेरी बात सुने किसी से भी कही, नहीं तो मैं तेरी अटरी निकाल दूंगा। ये सुनते ही साहब मैं भी रिवर्स गियर में हो गया, मेरी गाड़ी भी रिवर्स गियर में हो गई साहब। साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो दड़ियल को आपने भी अपनी जीप में लिफ्ट दी थी? बजरंग यू आर अ डैम फूल, तुमको मालूम है तुमने किसको लिफ्ट दिया? तुमने किसको लिफ्ट दिया है मालूम है? वो दाढ़ी वाला, वो मशहूर डाकू दिलावर सिंह था, पता है, जो भेस बदल के शहर में घूम रहा है। बजरंग अगर तुम उसको पकड़ कर यहाँ पुलिस स्टेशन पर ले आते तो तुम्हें 10,000 रुपए का इनाम मिलता। 10,000 मेरे को कहाँ से मिलता? तुमको 10,000 रुपया मिलता, सरकार की तरफ से मिलता। गवर्नमेंट देती है तुमको 10,000? यस सरकार, 10,000 मेरे को। हाँ 10,000 सरकार, साहब 10,000
गाड़ी से पहले मैं खुद पहुंच जाऊंगा। 10,000।